हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है एनिमी एट द गेट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अचीव आईएएस के सारे एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के और प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के कोर्सेज हैं। एमसीक्यूज के साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा एनिमी एट द गेट्स। केरला कर्नाटका बॉर्डर इशू की बात हो रही है यहाँ पे। देखो बात क्या है कि कर्नाटका ने अपनी बॉर्डर सील कर दी, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अगर होंगी तो भी ना आएंगी ना जाएंगी, स्टेट अपने आप में ही संभाल लेगा। तो केरला की एक जगह और कर्नाटका की एक जगह कनेक्ट करती हुई नेशनल हाईवे जाता है। उस नेशनल हाईवे पे व्हीकुलर मूवमेंट ज़रूरी है, व्हीकल्स का मूवमेंट ज़रूरी है ताकि मेडिकल सप्लाइज जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे जा सके। है नेशनल हाईवे, सील कर्नाटका ने कर दिया, दिक्कत केरला को हो रही है। क्यों? क्योंकि केरला को अभी जो मेडिकल सप्लाई चाहिए वो नेशनल हाईवे के जरिए आएगी और जो कर्नाटका से गुजरता है। कर्नाटका ने अपनी बॉर्डर सील कर दी। अब सुनने में तो ऐसा लगेगा कर्नाटका ने बहुत गलत किया है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए उसके तहत ये दिक्कत शुरू हो रही है। केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में डायरेक्ट किया फिर सेंटर को इस मामले में कि फ्री व्हीकुलर मूवमेंट रहे, अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट जिनको चाहिए। नेशनल हाईवे हमेशा से जो है व्हीकुलर मूवमेंट के लिए खुला रहे, केवल अर्जेंट मेडिकल सप्लाइज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अब जो नेशनल हाईवे है जिस पे हम बात कर रहे हैं, केरला को जहाँ पे केरला को ज़रूरत है उसकी, अब नेशनल हाईवे कर्नाटका के एक जगह से गुजर रहा है तो केरला यहाँ पे अब दिक्कत ये आ रही है कि कर्नाटका ने सील क्यों कर दिया। कर्नाटका ने सील कर दिया ये भी पढ़ेंगे, पहले ये देख लो कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सेंटर टू कन्फर विद द स्टेट्स एंड फॉर्मुलेट द नॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग अ पैसेज एट तालापाड़ी द बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर को डायरेक्ट करते हुए कहा है कि किस तरीके से पैसेज होगा, ये एक कानून कायदे बनाओ इसके और सोल्यूशन जो है लाओ। सोल्यूशन जो है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट है कारासागोड डिस्ट्रिक्ट है केरला में इन यहाँ पे लोग जो हैं इनको बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, हाईवे बंद होने की वजह से, केरला के बॉर्डर सील करने की वजह से हाईवे पे जो है सप्लाई आ नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो रुक सा गया है और कुछ समय से जिनको मेडिसिन की आवश्यकता है वो मिल नहीं पा रही। कर्नाटका ने बॉर्डर सील कर दी। अब मैं बताता हूँ क्यों। कर्नाटका का ऑब्जेक्शन ये है कि केरला का जिस जिला में वो व्हीकल मूवमेंट जाएगा, वो व्हीकल जाएंगे मेडिकल सप्लाइज दे के आएंगे, तो केरला में जिस जिले में जाएगा वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं, फिर वो कर्नाटका से गुजरते हुए आएंगे तो कर्नाटका में फैला देंगे। पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कर्नाटका में केसेस की संख्या बढ़ सकती है। तो लेकिन अब ये चीज़ तो क्लियर है ना कि अर्जेंट मेडिकल नीड चाहिए, तो क्या लीगल मेजर्स स्टेट के द्वारा इतने हद तक लिए जा सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल नीड्स की भी इम्पोर्टेंस ना हो? प्रश्न ये उठता है, अ की क्वेश्चन। केरला हाईकोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया कि अगर इस तरीके से इमरजेंसी मेडिकल एड डिनाई कर दोगे तो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन कर रहे हो आप। और कर्नाटका ने ऑब्जेक्शन कहा कि हम केरला की वजह से हमारे केसेस हो गए। तो यहाँ पे जो है एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि जब कर्नाटका ये कहता है कि केरला से केसेस आ जाएंगे या फिर केरला से जो उसको डर लग रहा है और इसी डर की वजह से इसने अपने बॉर्डर सील कर दिए, और केरला जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और ये कहता है कि देखो यहाँ पे इसने ऐसा कर दिया, तो कोर्ट ये कहता है कि भैया पिछले महीने केरला गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नर ने
एक ऑर्डिनेंस पास किया। अब आपको पता है कि जब सेशन नहीं होते, जब पार्लियामेंट, जब लेजिस्लेचर का एक हाउस सेशन, क्या तो दोनों सेशन में ना हो या एक भी सेशन में ना हो एक हाउस, तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है गवर्नर के द्वारा या सेंटर के लेवल पे प्रेसिडेंट के द्वारा। और ऑर्डिनेंस जो है मैक्सिमम छः महीने और छः वीक तक रह सकता है, ध्यान रखना, 6 महीने 6 वीक तक। मतलब जब लेजिस्लेचर खुलेगा तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको पास करना होगा। अगर नहीं करते तो वो अपने आप जो हट जाएगा ऑर्डिनेंस। 6 महीने के पहले भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट वापस ले भी सकता है। तो 6 महीने 6 सप्ताह तक जो है ये रह सकता है। अब ऑर्डिनेंस पास किया गया, उस ऑर्डिनेंस में ये था कि केरला अपने बॉर्डर सील कर सकती है जब उसको लगे। हेल्थ, फूड सप्लाई और फ्यूल के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। केरला ने जो कर्नाटका की शिकायत कर रहा है कि कर्नाटका ने अपने बॉर्डर सील कर दिए और हमको सप्लाई नहीं आने दे रहा क्योंकि हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे यहाँ पे लोगों को जरूरत है। पर केरला खुद ही पिछले महीने ऐसा लॉ पास करता है जिसमें उसको बॉर्डर सील करने की पावर दे दी जाती है और दूसरे राज्य से उम्मीद करता है कि वो अपने बॉर्डर खोल देगा। ये तो एक वही तो कहा ना कि मैंने एक आयरनी है। तो केरला ये कह, कर्नाटका ये कह सकता है कि जब यहाँ पे केरला उसका पड़ोसी देश ऐसे कानून पास कर सक, पड़ोसी राज्य जो अब कानून पास कर सकता है बॉर्डर सील करने के लिए और एसेंशियल सर्विसेज रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? क्या केरला का जो लॉ लाया गया, जो ऑर्डिनेंस लाया गया, क्या इसका केस ये वीक कर देगा? क्या इसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी पावर कम कर देगा इस मामले में? जब केरला खुद ऐसे लॉ पास करता है तो नेबर क्यों नहीं कर सकता? नेबर अपना बॉर्डर क्यों नहीं शट कर सकता? ये तो केस हो गया। अब प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंटरस्टेट माइग्रेशन और क्वारंटाइन, इंटरस्टेट माइग्रेशन और इंटरस्टेट क्वारंटाइन ये यूनियन लिस्ट में है, ध्यान रखना। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड ये जो है आपकी स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, और इन्फेक्शियस डिसीज जो है वन स्टेट टू अन अदर, मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, जैसे नोट कर लीजिए आप एक बार, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज ये स्टेट लिस्ट में है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज ये स्टेट लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट में आ गया आपका इंटरस्टेट माइग्रेशन और क्वारंटाइन, और पोर्ट क्वारंटाइन भी आपका यूनियन लिस्ट में। इंटरस्टेट माइग्रेशन, पोर्ट क्वारंटाइन, पोर्ट पे जो क्वारंटाइन किया जाता है वो यूनियन लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका इन्फेक्शियस डिसीज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर इन्फेक्शियस डिसीज मूव करती है तो वो जुडिक्शन उसका किस पे आता है, कॉन्करेंट लिस्ट का। और कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर की और स्टेट की दोनों की पावर होती है। तो ये सब देखते हुए अगर कर्नाटका केरला के इशू में सेंटर का रोल आ जाता है, क्योंकि दोनों, अगर कर्नाटका बॉर्डर सील करता है तो वो जो सील कर रहा है किस हद, किसके लिए, इन्फेक्शियस डिसीज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर के सब्जेक्ट में। तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, आपको पता है केंद्र भी कानून बना सकता है, सेंटर स्टेट भी बना सकता है, लेकिन केंद्र का जो कानून है वो ज़्यादा दम रखेगा। तो इसलिए सेंटर का जो है रूल, आज सेंटर का रोल आ जाता है और इस डिस्प्यूट्स को सेंटर के द्वारा ही जो है सॉल्व किया जा सकता है। मोकरी ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है कि उन लोगों को पनिश करेंगे जो टेरर एक्ट में इन्वॉल्व है, वो अभी भी शक के घेरे में, क्योंकि अभी देखा गया कि एक जो है अमेरिकन जर्नलिस्ट को मार दिया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने जो भी आरोपी थे उनको जो है बरी कर दिया सबूतों के अभाव में। खैर ये चीज़ें उस हाई कोर्ट की, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है निगार्डलीनेस, दैट इज इकोनॉमी वारंटेड। देखो यहाँ पे बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट की। अब कई दिनों से ये आर्टिकल इस तरह के जो है न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में 360 में पता चल गया होगा फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से जो है हमको तोड़ना पड़ेगा आगे करने के लिए। लेकिन मैं ऊपर सब कुछ पॉइंट दे देता हूँ कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। सरकार को दो तरह से चिंता होती है, एक तो इन्फ्लेशन के जरिए, दूसरी चिंता यहाँ पे होती है खुद डेफिसिट के जरिए कि डेफिसिट बढ़ गया तो। तो देखो फिस्कल डेफिसिट जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो अपने जितना आपके पास रेवेन्यू आया उससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो फिस्कल डेफिसिट है। तो कहीं ना कहीं, और फिस्कल सरप्लस क्या है कि जितना आपके पास एक्सपेंडिचर आया, जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके पास, उससे ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू पड़ा है।
फिस्कल डेफिसिट करना क्यों जरूरी है? आने वाले समय में पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, सरकार को ही कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को पैसा देना पड़ेगा, किसी को सब्सिडी देनी पड़ेगी, किसी को कैश ट्रांसफर देना पड़ेगा। लेकिन सरकार को सबसे सब बोलोगे यार ये तो बहुत जो है आसान बात है, और सरकार का क्या जाता है, सरकार को तो वोट मिलेगा, सरकार को तो क्या है, सरकार की तो जो है पॉपुलैरिटी होगी। देखो फिस्कल डेफिसिट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है तो एक तो सरकार की नाकामी सामने आती है कि इतना जो है पैसा जो आप ला रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कहाँ से लाएगा, वो कहाँ से चुकाओगी सरकार। तो ये तो एक फिस्कल डेफिसिट की चिंता है। दूसरी चिंता जो मैं बात कर रहा था वह इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो जब भी मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ती है, और आम आदमी जाके अंगुली किस पे करता है, सरकार पे। तो सरकार इस साइकिल में फंस जाती है कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ा भी दें, महंगाई भी बढ़ गई, तो हमारे से लोग नाराज हो जाएंगे और हमको जो है आगे वोट नहीं देंगे। एक तरीके से अगर इस तरीके से देखें हम तो सरकार की जो है एक आप वोट भी नहीं, तो देखिए कि आम आदमी की चिंता जो है वो नहीं बढ़े इन्फ्लेशन के लिए, इसलिए फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर सरकार जो है इतना नहीं बढ़ाती। लेकिन जो अभी समय है, क्या इसमें इन्फ्लेशन वास्तव में एक समस्या बन सकता है? देखो जब तक देश में कुछ महीनों तक सरकार अगर इस तरीके से राशन प्रोवाइड करते रहे फ्री में, तो इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए तो क्या है भाई, अगर दाल, चीनी, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब चीज़ें अगर पीडीएस पे कम पैसे में मिल रही है, बाकी चीज़ों के दाम अगर बढ़ रहे हैं, या मान लो किसी भी वेजिटेबल के या कोई ऐसी चीज़ों के जो कि आप मान सकते हो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है, जब पैसा हो तभी ले सकता है, तो बढ़ भी जाए तो उससे क्या है, किसानों को बेनिफिट होएगा भाई। फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो किसानों को बेनिफिट होएगा, लेकिन अगर राइस और वीट की अगर बढ़ गई तो आम आदमी को नुकसान होएगा, क्योंकि एक गरीब आदमी जब गेहूं तो रोटी तो खाएगा ही, फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो खाए नहीं खाए। तो इसीलिए पीडीएस के जरिए जब तक इसेंशियल सर्विसेज बांटी जा रही हैं तब तक कितनी भी इन्फ्लेशन किसी भी चीज़ की बढ़े क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन्फ्लेशन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, इसेंशियल कमोडिटीज़ अगर प्रोवाइड की जा रही हैं तो इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, इन्फ्लेशन जो है अपने आप। और दूसरी बात, पेट्रोल की प्राइसेस कम रहेंगी, पेट्रोल की प्राइसेस अभी क्रूड ऑयल की गिरने की वजह से, प्राइस गिरने की वजह से, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है, अब ऐसे तो पेट्रोल की प्राइसेस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता इन्फ्लेशन पर, लेकिन फिर भी बचत रहेगी इंसान की जेब में, आम आदमी की जेब में सेविंग रहेगी, खर्चा नहीं होएगा इतना। दूसरी चीज़ है फिस्कल डेफिसिट खुद की, कि फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो है ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च कर देंगे तो सरकार को अब फिस्कल डेफिसिट लाएंगे कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से भाई। ऐसा तो है नहीं कि हवा में से पैसे निकाल लिए। अब आप बोलोगे कि सरकार पैसा प्रिंट कर सकती है, अभिजीत बनर्जी जो हमारे नोबेल लॉरेट है उन्होंने हाल ही में यही जो है सजेशन दिया कि प्रिंट कर दो पैसा, अभी इन्फ्लेशन के लिए चिंता मत करो, प्रिंट कर दो पैसा, पैसा प्रिंट करो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन पैसा भी प्रिंट कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम इतना तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, एसेंशियल सर्विसेज राशन के जरिए प्रोवाइड हो रही है तो जितनी मर्जी प्रिंट करो मनी, हद तक प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो क्रूड ऑयल से बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इतना जो डाउन हुए प्राइसेस कि सरकार के पास, अब देखो $1 अगर गिर जाता है ना, $1 की प्राइस अगर गिर जाती तो करीब करीब 10,000 करोड़ का फायदा सरकार को होता है, 10,000 करोड़ का, और इतने डॉलर यहाँ पे गिरे हैं आपको पता है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप डाटा, तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी प्रिंट भी कर सकती है मनी, तेल की प्राइसेस भी कम है, तो सरकार के पास पैसा भी अच्छा खासा है। तो ये चीज़ है, ये मैंने आपको इतने समय जो है समझा दिया कि ये सरकार को इन दोनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। द क्रिटिकलिटी ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब, अगर देखो अभी हाल ही में घटना हुई कि डॉक्टर्स पे हमला हुआ, एक फेक न्यूज़ फैली कि वो लोग जो हैं NRC के आदमी हैं, डॉक्टर के वेश में NRC जो है कंडक्ट करने आ रहे हैं या फिर NRC के लिए आ रहे हैं। तो हम उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये देखें कि ये जो फेक न्यूज़ फैली है इसको कैसे रोका जाए। खैर इस आर्टिकल से अलग बात हो गई, तो इल्ज़ाम भी लोगों पे जो है एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराया जाए कि इस तरीके से न्यूज़ पे विश्वास ना करें, आपका ही नुकसान होगा, आपके ही लोग जो है उन पे FIR दर्ज होगी। और दूसरी बात, फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं उन पे भी प्रॉपर उनका इलाज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उनको प्रॉपर सज़ा मिले। कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी एक है, जैसे अपनी आशा स्कीम, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ जो वर्कर
जो एक्टिविस्ट जो स्कीम है जिसके तहत एक कम्युनिटी में से ही है एक आदमी को हेल्थ एक्टिविस्ट बनाया जाता है, हेल्थ वर्कर बनाया जाता है। अब उसको चाहे नर्स बनवा देते हैं, चाहे कुछ भी कर देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देके, लेकिन उस कम्युनिटी से बना देते हैं। तो कम्युनिटी, अब देखो आप अगर कलेक्टर बनते हो तो आप अपने गाँव के प्रति, एक शहर के प्रति एक अलग ही जो है जिम्मेदारी का एहसास करोगे। आप कहोगे यार चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह को तो डेवलप करना ही है, यहाँ के लोग जो यहाँ के पीछे, अगर आपका इलाका पिछड़ा हुआ है तो आप कहोगे कि यार कहीं ना कहीं जो है इस इलाके को डेवलप करना ही है, यहाँ के लोगों को जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था करवानी है। तो अगर हम कम्युनिटी के ही लोगों को स्किल दे, ट्रेनिंग दे, डॉक्टर्स बनाए, नर्सेस बनाए, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये तो एक मुद्दा है। दूसरी बात, हमारे आज देश में जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, एजुकेटेड हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ उनको रहती है। लेकिन जो हमारा रूरल सेगमेंट है जिनको इतनी नॉलेज नहीं रहती, आप कह सकते हो कि यार ऐसे तो मोबाइल पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, लेकिन देखा जाए तो पुअर हाउस होल्ड जो बिल्कुल पुअर है उनके पास नहीं है। और कोरोना वायरस ये तो देखेगा नहीं कि पुअर है, चलो छोड़ दो, दया दिखाओ, उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट की ज़रूरत है कि डॉक्टर नर्सेज जो 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर चल के गाँव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि लोग अभी भी जो है सरकार के हेल्थ सिस्टम पे विश्वास नहीं रखते। उनको भी अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी पद्धतियाँ इलाज की वो हो जाए, वो जो है वो सही है। तो इसलिए कम्युनिटी इंगेजमेंट जरूरी है कि गांव के लोग ही गांव के लोगों को समझाए, सरकार कम्युनिटी इंगेजमेंट कराए। और क्योंकि गांव में अगर ये फैल गया तो फिर जो है रोकना मुश्किल है, समझ सकते हो। तो क्वारंटाइन वारंटाइन लॉकडाउन एक अलग चीज़ है, लेकिन कम्युनिटी इंगेजमेंट भी साथ में रहे। और लॉकडाउन्स की भी देखो, लॉकडाउन भी अगर आपने कर दिया, रुक गया वायरस और हटा दिया तो वापस वायरस आ सकता है। तो पब्लिक हेल्थ केयर आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्राइमरी हॉस्पिटल्स गांव में बढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके जो आगे ऐसा वायरस दोबारा ना आए ये चीज़ रोकी जा सकती है। इसके लिए आपको मेडिकल वर्कफोर्स का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है। रिड्यूसिंग फार्म डिस्ट्रेस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, ये पढ़ने से पहले जो है, चलो ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं। वैसे देखो इसमें बात हो रही है कि फार्म की, कि फार्म जो सेक्टर है उसमें डिस्ट्रेस कैसे आएगा, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो फार्म सेक्टर में डिस्ट्रेस कैसे आएगा, वैसे ही आएगा। अब हमारा रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग शुरू होएगी, रबी क्रॉप्स। देखो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स की याद कैसे करें, इसके लिए मैं ट्रिक आज अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और उनसे आपको इनकी क्रॉप्स याद हो जाएंगी। लेकिन इतना याद रख लो कि रबी क्रॉप्स विंटर में बोई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती है इस टाइम पर, स्प्रिंग के टाइम पर, ठीक है। अभी जब अप्रैल में ये हार्वेस्ट की जाएंगी तो खरीफ क्रॉप जो है बिल्कुल इनके उल्टी है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स को भी आपको बताऊंगा बाद में, अभी ये जान लो कि अभी वक्त है, अभी जो वक्त है वो रबी क्रॉप्स का। किसान है, फसलें हार्वेस्ट करनी है, तैयार करनी है, लेबर चाहिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेबर तो रुका हुआ है, लेबर कहाँ से आएगा। दूसरी बात, आज के टाइम पर लॉकडाउन की वजह से सप्लाई नहीं जा पा रही। भाई सरकार का खुद का जो बफर स्टॉक पड़ा है खाने का, वो खुद राज्यों में नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हाईवेज बंद है, लोग सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रही है, अभी ट्रैवल आसानी से नहीं हो पा रहा, लॉजिस्टिक्स की कमी है, दिक्कत आ रही है। तो जो किसान हैं वो अपना सामान कैसे पहुंचा पाएंगे जब सरकार नहीं पहुंचा पा रही। दूसरी चीज, ये तो बात हो गई फसलों की, मैं अगर फ्रूट्स की बात करूं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, सड़ जाते हैं, तो कितने समय तक वो रह सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं किसान जब तक लॉकडाउन नहीं हटे तब तक वेट कर लेगा, तब तक तो फल सड़ जाएंगे। ये आज की बात नहीं है, कई सालों से किसान के पास इतनी पैदावार हो जाती है फलों की, वेजिटेबल्स की, कि उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। कुछ किसान तो सड़कों पे दूध फेंक देते हैं और फसलों को जो नष्ट कर, जो फ्रूट्स होते हैं उनको ट्रक की ट्रक गिरा देते हैं और उन पर जो है उनको रौंद देते हैं, ख़राब कर देते हैं चला के, क्योंकि क्या करें, बेचारे इतनी मेहनत भी करे और उनको बिकेंगे भी नहीं। अब लॉकडाउन की वजह से ये और फर्दर डिसरप्ट हो गया। तो सरकार क्या कर सकती है, एक बार अभी तो सरकार ये कर सकती है, अभी लॉकडाउन हटने के बाद तो तरह तरह की चीज़ें हो जाएगी, DBT भी हो जाएगा, सरकार का जो बफर स्टॉक खाली भी, देखो आपको पता है कि सरकार के पास करीब 27 जो टन है,
उतना जो है होना चाहिए बफर स्टॉक, उससे ज़्यादा ही है, करीब 58 पता नहीं कितना जो है, डबल इतना बफर स्टॉक पड़ा है सरकार के पास। जब सरकार उसको खाली कर देगी अभी शहरों राज्यों में बांटने के लिए, तो जब वो खाली हो जाएगा तो वहाँ पे फिर जो है किसान की जो फसलें हैं, जो किसान की जो पैदावार हुई है उसको ले सकते हैं सरकार अच्छे प्राइसेस दे के। ये चीज़ हो सकती है। सरकार क्या कर सकती है कि DBT कर सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है पैसा दे सकती है। जैसे सरकार ऐसे तो अपोजिशन पार्टीज़ और कई जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 7,000 पर महीना देना है आपको यहाँ पे किसानों को, लेकिन इतना पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। जैसे USA ने अपने GDP का 10% जो है इस कैश ट्रांसफ़र में खर्च कर दिया, हमारे यहाँ पे 1% भी GDP का कैश ट्रांसफ़र में खर्च नहीं किया गया। केवल PM किसान की जो किस्त थी, जो ऑलरेडी एक स्कीम है जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं किसान को, 3 किस्तें मिलती है 2,000 की, तो वो जो पहली किस्त थी वो दे दी गई। और जनधन योजना में जो वुमेन अकाउंट्स है उनको 500 रुपये महीने के दिए जाएंगे। तो अमाउंट देख के आप देख सकते हो कि कितना गुजारा यहाँ पे लोगों का हो सकता है। तो जितना पैसा आप बोला उतना तो दिया नहीं, तो सरकार क्या कर सकती है कि PM किसान के अंदर फार्मर्स को पहली जो किस्त दी वो तो अच्छी बात है, लेबर को भी कवर कर सकती है, जो मजदूर जो फंस चुके हैं, जो मजदूर जो फंस चुके हैं ना भाई, वो पंजाब हरियाणा जापान जो राजस्थान नहीं जा पाएंगे तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाए तो पैसा निकलवा ले। दूसरी बात, PM किसान को आपने कवर कर दिया तो और जो है आप सर यहाँ पे ख़रीद सकते हैं किसानों से जो स्टॉक है इनका, जो अब जो फालतू जाएगा उनको आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे देश भर में जो मंडीज़ हैं, मंडीज़ वगैरह जहाँ पर किसानों का ये पैदावार बिकती है, ये बंद नहीं है। तो सरकार जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि प्राइसेस अगर डिक्लाइन होए इस समय में, क्योंकि डिमांड कम है, लोग बाहर जा नहीं रहे, तो प्राइस डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होएगी, तो सरकार जो है इन लोगों की मदद कर सकती है किसानों की, इनके पैदावार को ले सकती है। बफर स्टॉक एक बार खाली हो जाए इस महीने में तो इनको जो है ले सकती है और पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे सकती है। और साथ ही साथ लॉकडाउन हटने के बाद फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ों पे जो इनपुट जो हो रहा है पैदावार करने में, इनपुट जो लग रहा है उसमें सब्सिडी दे सकती है, ताकि किसानों की जेब में ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, पर ये तो एक चीज़ हो गई कि बोझ ना पड़े, लेकिन पैदावार भी तो कोई खरीदे, तो उसके लिए सरकार है ही, सरकार को जो है प्रॉपर इंतजाम करने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से जो है सरकार ले सकती है, इनके जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कर सकती है, लेबर को भी कवर कर ले PM किसान के अंदर। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अच्छा एक मिनट, ये लास्ट आर्टिकल हमारा है, व्हाई शुड एवरीवन शुड वियर मास्क। देखो ये ज़रूरी है, अभी ये गलतफहमी फैली हुई है कि जो हेल्थी लोग हैं वो मास्क ना पहने और अनहेल्थी हैं वो ज़रूर पहने। देखो ऐसा नहीं है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर किसी अनहेल्थी व्यक्ति है उसको खांसी हो रही है छींक आ रही है तो मास्क से रुक जाएगा, लेकिन जो हेल्थी व्यक्ति है उसको वो जो वायरस है उसके मुंह में नहीं जा पाएगा, आंखों में नहीं जा पाएगा, अगर चश्मा और मास्क को पहन रखा है तो मास्क इसके लिए ज़रूरी है। हालांकि सरकार को लॉकडाउन करने से पहले हर जगह मास्क की व्यवस्था करवा देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो पहले लॉकडाउन किया फिर मास्क की जो व्यवस्था करवानी शुरू की, तो चीज़ उल्टी हो गई। तो कहीं ना कहीं मास्क की ज़रूरत है, और मास्क होगा तो आप बार बार मुंह में नाक में टच नहीं करेंगे, अपनी सरफेस को टच नहीं करेंगे तो उससे भी बच जाएंगे। लेकिन और अगर टच करेंगे तो मास्क, जैसे मास्क आपने पहन लिया फिर उसको उल्टा सीधा करेंगे कि यार सही से बन जाए, तो फिर मास्क का कोई उपयोग नहीं, उल्टा वायरस होने के चांसेस हैं। और कई ऐसे उपयोग, कई ऐसे तरीके आ चुके हैं जिनमें आप खुद का मास्क भी बना सकते हैं। तो सरकार को मास्क की अवेबिलिटी सबसे पहले सबको जो है प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हमको ये कर्व फ्लैट करनी पड़ेगी, कर्व फ्लैट करनी जरूरी है। इस वायरस की जो कर्व ऊपर जा रही है ना, इसको नीचे करना जरूरी है। ठीक है, तो मास्क वगैरह इसलिए ज़रूरी है ताकि एक बार लॉकडाउन लिफ्ट भी हो गया उसके बावजूद भी, अगर बाद भी अगर लोग मास्क लगा के जा रहे हैं तो वायरस के इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के, लोकल ट्रांसमिशन के, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चांसेस काफ़ी कम हैं। ये सब जो है एडिटोरियल आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।